नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर आनंद। आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, जिससे प्रतापगढ़ जिले की हर खबरों की लगातार अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। खबरों की शुरुआत करते हैं रानीगंज थाना क्षेत्र से, जहां ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के हरिपुर वरदैता गांव के रहने वाले 60 वर्षीय राम मूर्ति सिंह अपने छोटे बेटे अजय सिंह के साथ बाइक से सोमवार को किसी काम से रानीगंज आए थे, जहां से पिता पुत्र रात लगभग 9 बजे वापस घर जा रहे थे। जैसे ही ये लोग रानीगंज थाना क्षेत्र के पचरास गांव के पास पहुंचे, एक अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को देते हुए घायलों को एम्बुलेंस से CSC रानीगंज पहुंचाया, जहां से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल पहुंचते ही चिकित्सकों ने पिता पुत्र को मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। इस दुखद घटना की जानकारी मिलते ही प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अगली खबर लालगंज कोतवाली क्षेत्र से है, जहां प्रधानपति को गांव में दबंगई दिखाते हुए फायरिंग करना महंगा पड़ गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पूरा मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कोड़ोरा माधीपुर तेजगढ़ गांव का है, जहां बीते 13 फरवरी को गांव का आद्या प्रसाद यादव राशन लेने कोटेदार के यहाँ पहुँचा था, जहाँ राशन न देने की बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। विवाद में कोटेदार के पुत्र सुजीत सिंह वर्तमान प्रधानपति विकास सिंह व शैलेंद्र सिंह के द्वारा आद्या प्रसाद के साथ गाली गलौज मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई, जिस पर आद्या प्रसाद की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज होने से भन्नाया प्रधानपति विकास सिंह 14 फरवरी को अपने गुर्गों के साथ आद्या प्रसाद के घर पहुंचा और गाली गलौज करते हुए अवैध पिस्टल से फायरिंग करना शुरू कर दिया। गनीमत रही गोली किसी को लगी नहीं। दिन दहाड़े फायरिंग से गाँव में हड़कंप मच गया। किसी ने घटना का वीडियो भी बना लिया, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने सोमवार को प्रधानपति विकास सिंह और शैलेंद्र सिंह को लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सई नदी कमौरा के पास से अवैध पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। अगली खबर संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र से है, जहां शौच के लिए जा रही किशोरी के साथ गांव के ही एक युवक ने दुराचार किया। पीड़ित किशोरी पिता के साथ थाने पहुंची तो पुलिस ने कार्रवाई के बजाय उसके पिता को ही थाने पर बैठा दिया। पूरा मामला संग्रामगढ़ थाना इलाके के एक गांव का है, जहां की एक किशोरी बीते 9 फरवरी को शौच के लिए गई थी। तभी रास्ते में ही गांव के एक युवक ने उसके साथ जबरन दुराचार किया और किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़ित किशोरी अपने पिता के साथ संग्रामगढ़ थाने पहुंची। पीड़ित किशोरी का आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई के बजाय उसके पिता को ही थाने पर बैठा दिया और समझौते का दबाव बनाने लगी। घटना के संबंध में CO लालगंज का कहना है कि जांच में प्रथम दृष्टया मामला जमीनी विवाद का पाया गया। किशोरी अपने चचेरे भाई पर दुराचार का आरोप लगा रही है। मामले की जांच की जा रही, अगर सच्चाई पाई जाएगी तो आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अगली खबर महेशगंज थाना क्षेत्र के गुजवर भीटा गांव से है, जहां की सुनीता गौतम पत्नी बाबूलाल का पड़ोसियों से विवाद था, जिसकी तहरीर सुनीता ने थाने पर दी थी। पुलिस ने उस शिकायती पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे पड़ोसियों के हौसले बुलंद हो गए, जिसके बाद बीते 31 जनवरी को विपक्षियों की ओर से गांव का एक दबंग जमींदार सुनीता के घर पहुंचा और उसे मारा पीटा। महिला का आरोप है कि दबंग ने गाली गलौज करते हुए लात घूसों से उसकी पिटाई की। इतना ही नहीं, दलित परिवार को गाँव से उजाड़ने की भी धमकी दी। पीड़ित महिला दोबारा थाने पहुंची, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने SP से भी न्याय की गुहार लगाई, लेकिन वहां भी उसकी नहीं सुनी गई। जहां एक ओर महेशगंज पुलिस पीड़ित महिला की शिकायत को झूठा सिद्ध करते हुए दबंगों पर मेहरबान है, तो वहीं दलित परिवार दबंगों के आतंक से भयभीत है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।